दर्शकों को प्राइमरी के न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है। बलिया में गरीब महिलाओं को निःशुल्क ताइक्वांडो के प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मरक्षा का कौशल प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ताइक्वांडो एसोसिएशन बलिया द्वारा मंगलवार को बैठक सचिव मुन्ना यादव के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय कुमार जायसवाल, संरक्षक हर्ष श्रीवास्तव तथा शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान के सचिव विवेक कुमार सिंह उपस्थित रहे। श्री मुन्ना यादव ने बताया कि ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा जिले के दयानंद विद्यालय मंदिर आर्य समाज रोड बलिया के निःशुल्क समर कैंप चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए महिला प्रशिक्षिका तथा उसके लिए एक अलग बेंच भी व्यवस्था किया जाएगा। अपना तरफ परिचय बताइए। जी, मैं विवेक कुमार सिंह, सचिव शिक्षा शक्ति सेवक संस्थान। कैसा कैसा कार्यक्रम यहाँ पर है? यहाँ पे ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये जानकारी भी मुझे हुई है यहाँ से कि यहाँ पे लड़कियों के लिए विशेष ट्रेनर, जो कि गर्ल्स ट्रेनर ही यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले हैं। और ये 7 दिन का कैंप लगने वाला है, जो कि 24 तारीख से यहाँ पे प्रारंभ होगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पड़ेगा मुन्ना यादव, ताइक्वांडो सचिव मुन्ना यादव बलिया। और ताइक्वांडो मार्शल आर्ट कोरिया 1987। ये आपके यहाँ कार्यक्रम का कैसा है? हाँ, मेरा यहाँ कार्यक्रम जो हो रहा है, समर कैंप लगा रहे हैं हम लोग, निःशुल्क लगा रहे हैं, जो हमारे चाहते हैं हम लोग सेल्फ डिफेंस और लड़कियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दे सके अपने स्वयं सेल्फ डिफेंस रोड फाइट इच्छा के लिए अपना। आज तक कितने बच्चों को आपने सिखाया है? आज तक बच्चों को हम लोग स्कूलों में ट्रेनिंग दिए हैं, करीब 3,000 बच्चों को। क्या क्या सिखाते हैं आप? मैं जैसे सामने से जो चाकू से अटैक करते हैं, जो लोग हाथ पकड़ लेते हैं या कमर कोई पकड़ लिए और उनको अपने जंप करके जो किक में हवा ना हो, पर्चे बता दीजिए। मेरा नाम कुसुम वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव शकरपुरा है। यहाँ कैसे कार्यक्रम है? यहाँ समर कैंप होने वाला है। यहाँ लड़कियों के लिए मतलब निःशुल्क सेवा, जो बच्चे नहीं आ पाती हैं या खुद की सुरक्षा के लिए है। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर? मैंने यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीखा है, खुद की सुरक्षा। आप इस कैंप के माध्यम से लोगों के या बच्चियों को क्या संदेश देंगे जो महिलाएं हैं? मैं लड़कियों से ये कहना चाहूँगा कि ये उनके लिए सुनहरा अवसर है, ये अपना मौका वो ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आपको कैसा लग रहा है सीखते हुए? मुझे सीखते हुए तो प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत कम चांस मिलता है लड़कियों के लिए, क्योंकि हर क्षेत्र। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।